अखिलेश ने यूपी उपचुनाव को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। क्या उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी दिखेगी एक साथ? अखिलेश लेंगे बदले पर बदला या राहुल को मिलेगा एक और मौका? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर टिकटों की घोषणा करेगी, लेकिन हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति ही बदल ली। राहुल गांधी के वादे के बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में सीटें नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से कांग्रेस की 2 सीटों पर दावेदारी थी। इसीलिए अब कहना मुश्किल होगा कि यूपी में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं। हालांकि अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने सफाई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत और बातचीत में कहा कि उपचुनाव के बारे में आज बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मजवा, अयोध्या की मिल्कीपुर और कानपुर की सीसामऊ सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अखिलेश ने करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मजवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, कटेहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपनी बेटी शांतनु राय के लिए मजवा सीट की मांग कर रहे थे, जबकि प्रयागराज से जुड़ी फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपने दावेदारी पेश कर रही थी। इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए और इसलिए अब दोनों दलों के बीच गठबंधन पर लगातार सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब जवाब भी मिल गया है और मीडिया के सामने अखिलेश ने खुलकर बोल भी दिया। इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।